हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एजुकेशन हब इजी वे। सो गाइस, टुडे आई एम टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th बायोलॉजी। गाइस, आज हम बात करेंगे यहाँ पर हेटरोट्रॉपी की। ये इस चैप्टर की पार्ट 6 वीडियो है। मैं पार्ट 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो हमारी पाँचों वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम हेटरोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ लाइन्स यहाँ पे दी हुई हैं, हम इन लाइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात की थी, 6.1 और 6.2 एक्टिविटीज़। तो वो एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसको, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना। मैंने उसका लिंक वहाँ पर ऐड कर दिया है। लेट्स गो ऑन टॉपिक विदाउट वेस्टेज योर टाइम। सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफिक मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक को किस तरीके से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। वट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर होल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक हैं, कहते हैं कि वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, यानी अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। लेकिन अपना फूड बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए भी उनको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल जैसे वो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के थ्रू अपना फूड बनाएंगे, न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे और उससे वो अपना क्या करेंगे, बॉडी को बनाएंगे। वाटर यूज, जिसमें कुछ रॉ मटेरियल है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम वाटर की, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। जो वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, वो वाटर प्लांट लेंगे सोइल से। किसके थ्रू लेंगे, रूट के थ्रू। यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी जो ज़मीन पर ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या करेंगे, रूट के थ्रू सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर मटेरियल भी होते हैं, जैसे बात करेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेक अप फ्रॉम द सॉइल। तो ये भी कहाँ से लेंगे, सॉइल से मिलते हैं, यानी सॉइल में ये मटेरियल मिलते हैं, वहाँ से वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे रूट के थ्रू ही। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट होता है, जिसका यूज़ किस में करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज और अदर कंपोनेंट्स बनाते हैं। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इसको अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है तो किस फॉर्म में होती है, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। यानी प्लांट इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को लेंगे तब वो किस रूप में लेंगे, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर वो इसको ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ले रहे हैं तो वो किसके फॉर्म में लेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में लेंगे। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। यानी सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरो यानी अदर, ट्रॉफिक यानी न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज जो क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, किसी और के थ्रू वो क्या करते हैं, यानी न्यूट्रिशन को जब वो प्राप्त करते हैं तो किसी और पर निर्भर रहकर प्राप्त करते हैं। ईच ऑर्गेनिज इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है, अगर उन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं किया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाला, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो केवल क्या खाता है, घास ही खाता है, लेकिन एक टाइम पर क्या होता है, वो पूरी घास वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या अपने आप को, अगर उसे सर्वाइव करेगा या अपने आप को उसे जीवित रखना है तो वो क्या करेगा, फिर बड़े बड़े पेड़ पौधों को खाना स्टार्ट कर देगा। अगर वो बड़े बड़े पेड़ पौधों को नहीं खाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो उस सर्वाइव करने के लिए अपने आप को कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन
differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by organism. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो फूड है, फूड का जो स्वरूप है या उसकी उपलब्धता है, वो पोषण की विधि पर निर्भर करती है. कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, डिफर यानी डिफरेंट होता है. ये डिपेंड करता है किस पर, उसके टाइप और फूड की एबिलिटी पर. तो इसके अतिरिक्त जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भोजन को ग्रहण करेंगे, यानी वो किस ढंग से, किस वे से उसको अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ऑप्टेन करेंगे, वो किस वे से करेंगे, कैसे उसको लेंगे. जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, यानी अगर कोई फूड सोर्स है वो कैसा स्टेशनरी, यानी नॉन वर्टाइल है, एक ही जगह रह सकता है, यानी वो मूव नहीं कर सकता है, जैसे कि ग्रास हुई. और मोबाइल यानी जो मूव करने वाला मोटाइल, जैसे डियर है. वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इट हाउ द फूड एक्सिस एंड वॉट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज बाय अ काउ एंड अ लॉयन. तो अब यहाँ पर जो फूड का सोर्स है, एक तो कैसा है, वर्टाइल है, और एक नॉन वर्टाइल है. तो अब ये डिपेंड करेगा दोनों पे, जो डियर है या फिर सॉरी हमारे पास क्या है यहाँ पर, लॉइन है और काओ है. तो अब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अलग अलग तरीके के जो फूड हैं वो कैसे फूड का उपयोग करेगा, यानी कैसे कोई अचल देगा, अचल इट मीन्स जो स्टेशनरी यानी एक ही जगह, या फिर जो मूव करने वाला मूव आए. तो ये डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर कि ये कैसा फूड लेना पसंद करेंगे. देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी वाई विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज. तो ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ऑप्टेन करने का और उसके यूज करने की क्या है स्ट्रेटजीज हैं, यानी उन्होंने कैसे फूड को ऑप्टेन किया और उनको कैसे इसका यूज किया, ये इनकी क्या होती है, अलग अलग स्ट्रेटजी हैं. लेकिन इनका जो मोटिव वो एक ही होता है, यानी न्यूट्रिशन लेना, लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके से ये फूड को लेना पसंद करते हैं. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर ही करते हैं, यानी पहले उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे बॉडी से बाहर, और फिर उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अपनी बॉडी के अंदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फंगी, ब्रेड मॉल्ट, ईस्ट, मशरूम, ये क्या करेंगे, इसको हम एटमॉस्फेयर क्लीनर भी बोलते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को साफ करते हैं. ये कोई भी कहीं से भी जब ये फूड न्यूट्रिशन लेते हैं तो उससे पहले जो भी फूड ये लेंगे उसको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर ही ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे. ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि इनके अंदर हमारे जैसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं है, जिससे कि ये फूड को अंदर डाइजेस्ट करें, उसका अंदर ब्रेक डाउन करें. ये क्या करते हैं, बॉडी से बाहर ही अपनी डाइजेशन की प्रोसेस है, यानी आधी से ज़्यादा बाहर ही पूरी कर लेते हैं. अदर टेक्स इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी. और इसके अलावा अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे मटेरियल को पहले बॉडी के अंदर ले जाते हैं और बाद में बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स. व्हाट कैन वी टेकन इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग. तो ये अभी हमने आपको बताया, ये डिपेंड करता है बॉडी के डिजाइन के ऊपर और उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, कि हमारी बॉडी का डिजाइन कैसा है और बॉडी किस तरीके से फंक्शनिंग करती है, कैसे कार्य करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि फंगी और मशरूम है, ये इनकी बॉडी की फंक्शन ऐसी नहीं है, इनकी बॉडी का डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करें, इसलिए वो पहले से ही उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं. सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम.
कुछ ऑर्गेनिज वैसे भी होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं प्लांट्स या एनिमल हो सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं। स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज लाइक कशकटा यानी अमरवेल बोलते हैं, ये किसी और पेड़ के ऊपर डिपेंड रहेगी लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वो पेड़ भी जीवित रहता है और ये अपनी न्यूट्रिशन भी वहाँ से लेती रहती है। ऑर्चिड हुए, टिक्स हुए, लीस हुए, लीचिज हुए, टैपफॉर्म हुए, ये सब क्या होते हैं, यानी ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज होते हैं जो अदर किसी प्लांट या ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये अपनी न्यूट्रिशन वहाँ से प्राप्त करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज अपनी न्यूट्रिशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इज वेरियस ऑर्गेनिज। अलग अलग ऑर्गेनिज में अलग अलग टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो अलग अलग टाइप से ही भोजन को ऑब्टेन करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज, अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज की बात करें, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं यानी फूड को किसी सरफेस से लेंगे, टेकअप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अमीबा को देख लेते हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये यहाँ सरफेस पे कोई फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, अब इसको लेना है। इसको लेने के लिए क्या करेगा, इसके अलग से कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिससे कि इसको कैच कर सके, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी से ही एक क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा। सूडोपोडिया, सूडो यानी छोटा, पोडिया यानी पैर, एक पैर जैसे स्ट्रक्चर बना लेगा। ये देखिए इसने अपनी बॉडी से ही जहाँ पर पैरों जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, सूडोपोडिया। इसको जहाँ फूड पार्टिकल इसको दिखेगा वहीं से इसको ये बनाएगा। फिर फूड पार्टिकल को ये क्या करेगा, एक अपने तरफ उसको आकर्षित करेगा यानी अपनी तरफ उसको ले लेगा और एक फूड वॉक्यूल बना लेगा, यानी कि उसको फूड पार्टिकल को चारों तरफ से इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, यानी फूड वॉक्यूल बन गया जिसमें फूड है और वहीं पर उस फूड से जो भी न्यूट्रिशन इसको लेनी होगी उस न्यूट्रिशन को वो ले लेता है और जो वेस्ट मटेरियल है फिर से वो उसको बाहर निकालेगा। इस तरीके से ये क्या करता है यहाँ से, यानी न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। वट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे देखा अमीबा के बारे में, अमीबा क्या करता है, एक टेम्परेरी फिगर लाइक एक्सटेंशन बनाएगा उंगली जैसी संरचना अपनी सेल सरफेस पर, और फिर उसको क्या करेगा, फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल के ऊपर उसको क्या करेगा, फ्यूज यानी उसे जोड़ेगा, ठीक है, और फूड वॉक्यूल बनाएगा जो अभी हमने यहाँ पर फिगर 6.5 में देखे। तो इनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गेनिज्म में, जो क्या करेगा यानी एक ही सेल है और एक ही, इसको ही अलग से ऑर्गन नहीं है, स्पेशल ऑर्गन नहीं है, एक ही सेल से अपना अलग अलग फंक्शन इनको करना होता है। इनसाइड द फूड वॉक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रेकन डाउन इंटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इंटू द साइटोप्लाज्म। तो वही है, क्या करेगा, जब फूड वॉक्यूल के अंदर चला जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो भी हैं उसको ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर में, यानी इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और साइटोप्लाज्म में उसको डिफ्यूज कर देंगे, यानी साइटोप्लाज्म में पहुँच जाएगा जो भी न्यूट्रिशन इनको लेनी है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रो आउट। और फिर से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे और उसी सरफेस के थ्रू वो उसको जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है बाहर निकाल देंगे। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज, पैरामीशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होता है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इट अ स्पेसिफिक स्पॉट। तो इसकी तो कोई डेफिन
नेट मतलब सेफ़ नहीं होती है, इसकी कोई सेफ़ नहीं होती है, ये अपना कोई भी सेफ़ ले सकता है। यानी एक जैसे कि हम बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम की अपनी एक स्पेशल सेफ होती है, इस तरीके से कुछ उसका सेफ़ होगा, जिसको हम स्लीपर सेफ बोलते हैं। स्लीपर यानी जो चप्पल होती है उसके सेफ का कुछ होता है, और इसमें ये कुछ सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसमें वो फूड पार्टिकल को लेते, इस तरीके से फूड इज मूव्ड इन टू दिस स्पॉट, इस स्पॉट में ही मूव जो फूड है वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा वाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, किसके थ्रू करेगा, सीलिया के थ्रू। यानी ये फूड को कैच कैसे करेंगे, इन सीलिया के थ्रू, इस सीलिया के थ्रू ही ये मूव करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर पैरामीशियम को जाना है तो सीलिया के थ्रू ही जाएंगे। इट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, यानी पूरी सेल को इस तरीके से ये कवर करके रखते हैं, जो पैरामीशियम के ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ये पूरे पैरामीशियम को कवर करके रखते हैं। इससे ही वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फूड पार्टिकल्स वगैरह जो भी इनको मिल रहा है, तो ये सीलिया से ही कैच करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको मिस नहीं करना है, आपको इसे ज़रूर देखना है। तो आज के लिए इतना ही, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।